कमाल। का करले थसरे टेंशन, अरे का करले थसरे टेंशन, जब अफसर बनके ते घर पे कमाल। ये कैसे होगा सर? आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से है। बिल्कुल, कल तक हमने जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन को देख लिया था, लेकिन वाटर पोल्यूशन के होने के कारण या ज़्यादा जल प्रदूषण के होने के कारण हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये आज हम अध्ययन करेंगे। तो जल प्रदूषण क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो डिसेज से होगा, जो किसके कारण होता है, जो वाटर पोल्यूशन के कारण होता है। एक चीज़ और कि हमने समझा था कि अगर जल हमारे लिए, याद रखिएगा, जल अगर हमारे लिए अमृत है तो अगर जल प्रदूषित होता है तो वो हमारे लिए जहर के समान है। तो क्यों होता है ये जहर के समान? क्योंकि ये हमारे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियों को जन्म देता है जिसका कभी कभी इलाज करना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो ये इसीलिए ये हमारे लिए जहर के समान होता है। चलिए, कौन कौन सी है वो बीमारियां, वो समझने का हम प्रयास करेंगे। प्रदूषित या गंदा पानी पीने से या पानी का सेवन करने से, सबसे पहले प्रदूषित पानी का मतलब क्या है? जो गंदा हो चुका है, जो अपना जो वास्तविक स्वरूप था वो खो चुका है, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रदूषित जल कहेंगे या गंदा पानी कहेंगे। तो गंदा पानी का सेवन करने से पानी से संबंधित बीमारियां होती हैं और ये जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर आप भोजन बना रहे हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता होगी, अगर आप नहा रहे हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता होगी, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता होगी, अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं तो वो भी पानी से मिलकर बना होता है। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर पानी का यूज़ ना हो। इसी कारण बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी स्वच्छ हो। आप अगर बाहर का भी कोई फूड खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, अगर मान लीजिए आप गुपचुप भी खा रहे हैं, अगर वो गुपचुप जो पानी यूज़ होता है वो अच्छा पानी नहीं है तो उससे भी बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही आप जो बाहर जो भी चीज़ें खा रहे हैं, घर में भी अगर आप खेल रहे हैं, बच्चे पानी से खेल रहे हैं, तो उससे भी देखने को हमें मिलता है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ ध्यान देंगे, इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है जो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आप देखेंगे ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे पहला बीमारी हम देखेंगे, ये बीमारियां निम्न अनुसार हैं। सबसे पहले टाइफाइड। बिल्कुल, जो टाइफाइड के केस आते हैं वो किसके कारण होता है? वो पानी के कारण ही होता है। अगर पानी खराब हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है या पानी प्रदूषित हो जाता है तो उसके कारण टाइफाइड भी होता है। आज आपको पता चलेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीमारियों से सवाल आता है और इसलिए भी हमें पढ़ना है, क्योंकि अब आपका हर बार मैं रिपीट करती हूँ कि अब आप ब्रॉड होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो अब सीमित दायरे तक नहीं है, अब वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता है। वो सिलेबस तो आपने दे दिया कि इतना इतना पोर्शन आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके क्या है उसमें दे दिया है डायरेक्ट ईवीएस, तो क्या ये ईवीएस के पार्ट्स नहीं है? हैं, तो इसीलिए हमें ये भी पढ़ना है ताकि एग्जाम में रिस्क ही नहीं लेना। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो नाम याद रखिएगा, साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया। इंग्लिश में भी देखेंगे सेम है, साल्मोनेला और एंटेरिया सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया। इसके कारण क्या होता है? आपका टाइफाइड होता है। ये उसी बैक्टीरिया का इमेज है जिसका नाम आप पढ़ रहे हैं। इसी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? टाइफाइड की समस्या देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषित जल में ये टाइफाइड, ये जो बैक्टीरिया है ये बनता है। टाइफाइड की अगर हम बात करें तो टाइफाइड में क्या होता है, हम जो गंदा पानी पीते हैं, ठीक, गंदा पानी पीते हैं, ये भोजन करते हैं, ठीक, उससे क्या होता है, ये हमारे मुंह से हमारे पाचन ग्रंथि तक पहुंचता है, वहां पर
अगर इसका इन्फेक्शन, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे पाचन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसी के कारण हमारे टाइफाइड देखने की समस्या दिखती है। दूसरी चीज ये, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए तो हो गया, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया की बात हो रही है, ये बैक्टीरिया जो हमने देखा, कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं साल्मोनेला टाइफी, लेकिन इसका पूरा नाम भी याद रखना है आपको। तो ये जो बैक्टीरिया है वो पानी और खाने के जरिए, क्योंकि खाना भी क्या बनता है, पानी से ही बनता है। अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसमें भी पानी होता है, दाल पी रहे हैं, दाल खा रहे हैं उसमें भी पानी होता है, आप रोटी भी खा रहे हैं तो वो भी पानी से ही गूथा होता है, सब्जी में भी पानी होता है, तो हर जगह पानी देखने को मिलता है। तो उसके जरिए क्या होता है, ये शरीर के अंदर जाता है और इसके द्वारा ये लोगों में फैल जाता है, यह छोटी आंत को भी प्रभावित करता है। अब देखिए आपका जैसे पाचन तंत्र है, ठीक है, पाचन तंत्र में आप भोजन को, जैसे आपने देखा होगा जब आप पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, तो भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा भोजन क्या होता है, मुख के द्वारा अंदर जाता है और उसका पाचन क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन की जब प्रक्रिया होती है, जब ये मुख के द्वारा हम खाना खाते हैं तो उसी के द्वारा ये बैक्टीरिया जाता है और हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, खास करके आपके छोटी आंत को। ठीक, इस बीमारी को आंत्र ज्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आंत को प्रभावित करता है, इसमें फीवर होता है, तो इसीलिए आप इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, टाइफाइड का दूसरा नाम है आंत्र ज्वर। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा आपका जो बीमारी है जो पानी के कारण होता है, पानी, प्योर पानी नहीं, गंदा पानी, गंदा पानी के कारण या प्रदूषित पानी के कारण जो दूसरी बीमारियां होती है उसे कहते हैं हम हैजा, कोलेरा। क्यों होता है, तो ये एक बैक्टीरिया वाइब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया, ये भी किसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हम जो पानी या भोजन ग्रहण करते हैं उसी के द्वारा ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है। आप देख सकते हैं ये पानी है और पानी के अंदर हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें ये क्या है, आपका बैक्टीरिया है, तो ये हमारे शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसीलिए हैजा जैसी समस्या देखने को मिलती है। याद रखिएगा, टाइफाइड हो या हैजा हो, ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपके पानी के कारण, प्रदूषित पानी के कारण ही बीमारी का कारण बन रहे हैं। आगे देखेंगे, व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होने वाला आंत संबंधी संक्रामक रोग है कौन, आपका हैजा। हैजा की बात हो रही है यहाँ पर। हैजा एक संक्रामक बीमारी है जो गंभीर पतले दस्त का कारण भी बन सकता है और इसमें हमारा जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा कमजोर पड़ जाता है। आप देखिएगा, अगर ये किसी को हो जाता है तो व्यक्ति का बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ना, वो गंदे पानी के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे आप हमको हमारे शरीर को प्रदूषित या संक्रमित कर देते हैं। शरीर को प्रदूषित नहीं करते हैं, ये हमें संक्रमित करते हैं। यह तेजी से निर्जलीकरण और अक्सर मृत्यु का कारण बनता है। निर्जलीकरण, तुरंत क्या होने लगती है, हमें पानी की कमी होने लगती है और जिसके कारण हमारा मृत्यु भी जल्दी हो सकता है। तो ये बहुत ही हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए टाइफाइड या हैजा को। आप लोग देखते होंगे, अगर जिसको टाइफाइड या हैजा हो जाता है, एक साल तक, मतलब उस व्यक्ति को शरीर बनाने में पूरे एक साल लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका शरीर टूट जाया रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया पूरे शरीर को इफेक्ट कर देता है, पूरा संक्रमित कर देता है। अगला जो बीमारी है वो देखेंगे, पानी से जो होता है भारत में, अच्छा ये आंकड़ा है आपका, ध्यान दीजिएगा, भारत में हैजा की हम बात करें तो याद रखिएगा 2017 भारत का एक राज्य ओडिशा के गंजम जिले में 14 अप्रैल 2017 को इस बीमारी का प्रकोप हुआ। सबसे पहले भारत में हैजा कब आया, तो 2017 में आया, मतलब ये नया बीमारी है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो हमारे भारत के कौन से राज्य में आया, उड़ीसा में आया, और कब आया आपका ये 14 अप्रैल 2017 को। तो अभी तक ये बीमारी 2023 आपका चल रहा है, अभी तक आज भी लोग हैजा और टाइफाइड से क्या है, परेशान है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला जो बीमारी है जो पानी के प्रदूषण के कारण होता है उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए। क्या होता है हेपेटाइटिस, तो देखिए यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है, ये इमेज क्या करता है, ये इमेज आपके यकृत को प्रभावित करता है। ये आप देख रहे हैं ना, मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए हेपेटाइटिस ए बीमारी जो होती है वो शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है।
तो वो यकृत को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सवाल यहां से बन सकता है। दूसरा, हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है ये। दूसरी चीज ये कि यह रोग मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है, इसके कारण लीवर सूज जाता है, ये जो आपका यकृत है ना उसमें सूजन भी आ जाता है, किसके कारण, हेपेटाइटिस ए जो बीमारी होती है जो पानी के प्रदूषण के कारण होता है उसके कारण ये बीमारी देखने को मिलती है। दूसरी चीज ये कि आप लोग पढ़ रहे हैं जान रहे हैं तो आप कम से कम इतना ध्यान रखें कि आप पानी बहुत ज्यादा स्वच्छ पिए, ऐसे नहीं कि कहीं का भी पानी पी लेते हैं कुछ नहीं होता, होता है बहुत कुछ होता है, बीमारी होता है और क्या चाहिए। चलिए तो हेपेटाइटिस ए हो गया। अगला जो बीमारी है वो जीआरडियासिस होता है, ठीक है, ये आपको बहुत कम आपने सुना होगा, आपने ज्यादातर हेपेटाइटिस ए सुना होगा, आपने हैजा सुना होगा और आपने अभी हमने देखा हैजा टाइफाइड, आपने टाइफाइड सुना होगा, ये भी बीमारी होती है किसके कारण, पानी, जब आपका जल या पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, उसके कारण भी ये बीमारी, क्योंकि हम बीमारी ही वैसा पढ़ रहे हैं कि जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां। तो कौन सी है, तो अभी हमने सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने कौन से बीमारी को देखा। सबसे पहले हमने देखा टाइफाइड, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो टाइफाइड साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया के नाम से होता है, ये ऐसा एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण हमें टाइफाइड होता है, ये हमारे मुख के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है जिसके कारण ये बीमारी होती है। दूसरा चीज, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, हाँ इसका दूसरा नाम आर्द्र ज्वर है, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आर्द्र ज्वर के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, तो टाइफाइड को जाना जाता है। फिर दूसरा बीमारी हमने क्या देखा, दूसरा बीमारी हमने हैजा देखा जो विप्रियो कॉलरी बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी हमारे मुख के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और ये बीमारी पैदा करता है, इसके कारण शरीर बहुत ज्यादा टूट जाता है और शरीर बनने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लगता है अगर उसका ठीक ठाक देखभाल हो रहा हो, और ये मृत्यु का भी कारण बन सकता है, कौन, आपका हैजा। फिर भारत में हमने देखा, भारत में हैजा कब आया, तो याद रखिएगा भारत का एक राज्य, कौन सा राज्य, आपका ओडिशा, जहां पर 14 अप्रैल 2017 को यहां पर पहला केस देखने को मिला था, यहां पर प्रकोप हुआ था। फिर हमने देखा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है कि बताइए हेपेटाइटिस बीमारी जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये शरीर के यकृत को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है जिसके कारण यकृत जो होता है वो फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा दुर्बल महसूस करने लगता है, दुर्बल मीन्स कमजोर। चलिए अगला जो बीमारी है आपका चौथा, इसे हम कहते हैं जीआरडियासिस, क्या होता है ये, तो जीआरडिया लैम्बिया कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो जीआरडिया लैम्बिया नामक जल जनित रोग जनक की उपस्थिति के कारण यह बीमारी होता है। जीआरडियासिस छोटी आंत का एक संक्रमण है जो एकल कोशिका वाले प्रोटोजोआ सूक्ष्म परजीवी जीआरडिया डुओनेलिसिस या संक्षेप में जीआरडिया के कारण होता है, कुल मिला के ये हमारे छोटी आंत को क्या करता है, प्रभावित करता है बहुत बुरा, इससे सबसे ज्यादा छोटी आंत प्रभावित करता है या होता है, और ये बीमारी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, अगर हो जाए तो बहुत बुरा असर होता है इसका, ठीक है। तो ये है आपका जीआरडियासिस, ये भी किसके कारण होता है, ये खराब जल के कारण होता है, उसमें भी ये आ जाता है, और हमें ये लैम्बिया जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा आपका भी हमने देखा यहाँ पर जीआरडिया लैम्बिया, ठीक है, तो ये क्या करता है, जीआरडिया लैम्बिया ये एक जल जनित रोग है निश्चित रूप से, अभी हम जितने भी रोग पढ़ रहे हैं वो जल जनित ही है, जल जनित मतलब जो गंदे जल से प्रभावित है, इफेक्टेड है, तो इनके कारण ये रोग हो रहा है। तो हमने 4 बीमारी देखी, कौन कौन से 4 बीमारियां हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा टाइफाइड, सबसे पहले टाइफाइड, ठीक, ये टाइफाइड है। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने हैजा देखा, तीसरा हमने हेपेटाइटिस ए देखा,
जो मुख्य रूप से क्या करता है, जो मुख्य रूप से आपके यकृत को प्रभावित करता है, और चौथा हमने देखा जीआरडीसीज, ठीक है, ये हमने देखा चौथा बीमारी, यहाँ देख सकते हैं जीआरडीसीज, ठीक है, पर नाम भी खतरनाक है, जैसे इसका नाम खतरनाक है वैसे ही ये बीमारी भी खतरनाक है। तो ये चार बीमारियां हमने देखा, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए और जीआरडीसीज, या हम कह सकते हैं जीआरडीसीज, जीआरडीसीज बहुत खतरनाक है इस बीमारी का नाम। चलिए आगे हम देख रहे थे कौन सा बीमारी, अगला जो है आपका आर्सेनिकोसिस, या हम कह सकते हैं आर्सेनिकोसिस, इसका मतलब क्या होता है, नाम से आर्सेनिक, हम इसको अगर ना अलग करें तो आर्सेनिक, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, आर्सेनिक मतलब जब पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, ये भी एक क्या है, एक खनिज है, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब हमें ये बीमारी देखने को मिलता है। शरीर में आर्सेनिक के अत्यधिक स्तर के कारण ये बीमारी होता है जो दूषित पानी के लगातार सेवन से होता है। आर्सेनिकोसिस रोग का मुख्य लक्षण है हाथ पैर समेत अन्य अंग में त्वचा पर सफेद या काले दाग का निशान होना, कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में ऐठन। याद रखिएगा, देखिए आर्सेनिक, अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है, अगर किसी खनिज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके कारण भी ये बीमारी हमें देखने को मिलता है। इस रोग का समय पर इलाज नहीं कराने की स्थिति में त्वचा का कैंसर हो सकता है। ऐसा कौन सा रोग है, सवाल बनता है, ऐसा कौन सा रोग है जिसका समय पर इलाज ना कराने पर त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो याद रखिएगा, आर्सेनिकोसिस आपका एक ऐसा बीमारी है जिसके कारण त्वचा का कैंसर हो सकता है। और ये कौन सी बीमारी है, तो जब जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हमें इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। अब ये देखिए, ये एक इमेज है त्वचा के कैंसर का, इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि कई ऐसा जगह होता है जहां पर, जैसे अमरकंटक का एक जगह है, वहां पर बॉक्साइट की मात्रा बहुत ज्यादा है पानी में। आप बिलासपुर का एरिया देखेंगे तो वहां पर आप पानी को गर्म करके देखिएगा, व्हाइट निकलता है, कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये सब भी क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज एक मात्रा में अधिक हो, या कह सकते हैं एक सीमा से ज्यादा हो, तो वो भी क्या करती है, बीमारी को जन्म देती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सा बीमारी है आपका, ये है आर्सेनिकोसिस, या हम कह सकते हैं आर्सेनिकोसिस। तो इस बीमारी के कारण ही क्या होता है, इस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका पोलियो। देखिए पोलियो भी जो बीमारी होती है ना, वो भी पानी के संक्रमण के कारण भी होता है। पोलियोमाइलाइटिस, या हम कह सकते हैं, अब देखिए इसको हम तीन भागों में तोड़े तो ये किसके कारण होता है, पोलियो, माइलो या माइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं इसे शॉर्ट में, जिसे आमतौर पर पोलियो के नाम से ही जाना जाता है। अगर ये पानी के संक्रमण के कारण हो रहा है तो इस बीमारी को हम पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं, जो जल प्रदूषण से होने वाली खतरनाक बीमारियों में से एक है। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। चलिए अगला बीमारी है आपका मिनी माता। आप देखते होंगे मिनी माता जो रोग होता है ना, वो भी किसके कारण हो रहा है, जल प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। जल में पारे की अधिकता के कारण होने वाला कौन सा रोग है, तो याद रखिएगा, जल में अगर पारा की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो उस समय हमें कौन सा रोग होगा, उस समय हमें मिनी माता का रोग होगा। सबसे पहले मिनी माता रोग जापान के कुमामोत्रे प्रांत में वर्ष 1953 में फैला था। पहला आपको एक यहाँ पर आंसर मिल गया कि बताइए मिनी माता का केस विश्व में सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो ये सबसे पहले एक देश है जापान, तो जापान के कुमामोत्रे प्रांत में सन 1953 में ये बीमारी देखा गया था। ये रोग पागलपन, अगर ये रोग मिनी माता रोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, अगर ये रोग हो जाए तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है, मानसिक भ्रम भी होता है, उसे भ्रम होता है, जो चीज़ें नहीं हुई रहती हैं उसका भी उसे भ्रम होता है, और अंत में मृत्यु जैसे गंभीर मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। और यह रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। मिनी माता रोग, जिसे कभी कभी
चिस्सोमिनामाटा रोग के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम है चिस्सोमिनामाटा रोग। तो याद रखिएगा, मिनामाटा रोग भी बहुत खतरनाक है, जो सर्वप्रथम जापान के कुमा मोते प्रांत में 1953 में देखा गया था। साथ ही ये व्यक्ति को पागल कर सकता है और मानसिक भ्रम होता है और अंत में इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज और, पारा सबसे ज्यादा कौन सी मछली में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपका जो सार्क मछली होता है उसमें टाइल फिश होता है वो, और किंग मैकरल करके जो मछली होती है उसमें ना पारा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो लोग ना इस तरह की मछली का ज़्यादा सेवन करते हैं उन्हें ही मिनामाटा रोग होता है। साथ ही झींगा वगैरह हो गया, तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब हेल्दी होते हैं, लेकिन अभी सार्क हो गया, आपका टाइल फिश हो गया या किंग मैकरल हो गया, ये लोग ना बहुत खतरनाक मछली होते हैं। तो इनमें पारा अधिक होता है और ज़्यादा सेवन करेंगे तो आप मिनामाटा रोग से प्रभावित होंगे। दूसरा है आपका इटाई रोग। ये भी किसके कारण होता है? प्रदूषित जल के कारण होता है। अगर जल में कैडमियम धातु की मात्रा अधिक हो जाए तो इटाई का रोग देखने को मिलता है। तो इटाई रोग की हम बात करें तो कैडमियम धातु की विषाक्तता से इटाई रोग पैदा होता है। जब कैडमियम शरीर के सुरक्षा स्तर से अधिक मात्रा में पहुंच जाए, हमने पढ़ा था संतुलित आहार में कि होता क्या है, हम मिनरल्स हो या वाटर हो या प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो या वसा हो, जब हम एक सीमा तक लेते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन जब हम एक सीमा के बाहर चीज़ों को लेते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे अंदर बीमारी को पैदा करता है। तो वही है इटाई रोग किसके कारण होता है, जब कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है जल में तो इटाई रोग होता है। जब पारा की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपका मिनामाटा रोग होता है, ठीक। और इसी तरह ऐसे बहुत से कारक हैं, अगर उनकी मात्रा अधिक हो जाए तो रोग देखने को मिलता है। हड्डी के गंभीर दर्द के साथ साथ अस्थि मृदता इटाई रोग का एक लक्षण है। मतलब हड्डी को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा, टेढ़ी मेढ़ी होने लगेगी हड्डी और शरीर कमजोर पड़ने लगेगा, ठीक से खड़े नहीं हो पाएगा। बीमारी को यह नाम 1912 में जापान के टोयामा प्रांत की, ये हिस्ट्री की बात हो रही है, मतलब इटाई रोग का जो इतिहास है उसके बारे में जो रोचक है अपने आप में। बीमारी का यह नाम 1912 में जापान के टोयामा प्रांत के स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया। इस बीमारी को जापान में चार बड़े प्रदूषण रोगों के रूप में मान्यता दी गई थी। कैडमियम एक प्राकृतिक रूप से जहरीला भारी धातु है। ये क्या है, कैडमियम एक मेटल है, अगर पानी में इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो इटाई रोग देखने को हमें मिलता है। अगला है आपका इकोलाई रोग। इकोलाई रोग क्या होता है, खराब खाना जो हम खाते हैं, जो चीज खाते हैं, आप देखिएगा जो बाहर बहुत ज्यादा खाते हैं ना, जो साफ सुथरा नहीं होता है, उनको भी ये इकोलाई रोग अधिक देखने को मिलता है। साथ ही ये कच्ची सब्जियों या कच्ची चीजों को खाने से भी फैलता है, ये वाला जो रोग है इकोलाई रोग। मल के द्वारा भी ये बीमारी फैलने का डर रहता है। तो आप जान सकते हैं कि पानी से कनेक्टेड कितनी सारी बीमारियां हैं। मलेरिया की अगर हम बात करें तो ये तो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। ये एग्जाम में ना पूछा जाता है, आता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। तो याद रखिएगा, मच्छरों के कारण होता है मलेरिया। कौन से मच्छर के कारण होता है, तो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के कारण होता है। आपके एक साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रस, इनका एक हिस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। बताया जाता है कि ये मच्छरों का बहुत बहुत सारा मच्छर लाए और ये एक एक करके स्लाइस स्लाइस काट कर देखा करते थे। आप सोचिए, भरी गर्मी में भी, इनके बारे में बहुत फेमस है कि ये भरी गर्मी में पंखे के नीचे बैठकर मच्छरों को बड़े ध्यान से देखा करते थे, पंखा ऑन नहीं करते थे, भले पंखे के नीचे बैठते थे। ये भरी गर्मी में पसीने से पूरे लथपथ हो जाते थे, पूरे गर्मी भर पागल रहते थे। लेकिन अब आप सोचिए, एक छोटा सा मच्छर है, पंखा चलेगा तो क्या होगा, सब तो उड़ जाएंगे ना। ये बारीक बारीक सबका स्लाइस करते थे और एक एक करके सबको जांचते थे। अंत में इन्हें पता चला कि मादा एनोफिलीज मच्छर ही ऐसी है जिसके कारण मलेरिया होता है। मलेरिया का असर सबसे अधिक हमें उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां प्रदूषित जल इकट्ठा हो, या हम कह सकते हैं नाली जहां पर होता है ना, वहां पर भी मच्छर ज्यादा आते हैं। साथ ही वर्षा का जल एकत्रित हो जाए, जहां की जलवायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, नमी अधिक होगा, तो वहां पर भी जल देखने को ये बीमारी देखने को मिलेगा।
रोनाल्ड रॉस यही है वो वैज्ञानिक जो बड़े ही ध्यान पूर्वक मच्छरों का क्या कर रहे थे, मच्छरों पर प्रयोग कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। रोनाल्ड रॉस ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह खोज की कि मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के कारण होता है। यह रोग मादा एनोफिलीज के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से प्रभावित होता है। सवाल ना यहाँ से बनते हैं, पूछा जाता है सवाल। इसके लिए इनको वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा इनको मच्छर के बारे में ना पूछ के डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि बताइए कि क्या कहते हैं आपका रोनाल्ड रॉस को कौन से सन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए यहां तक हो गई चीजें, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त डेंगू चिकनगुनिया भी मच्छरों के कारण होता है। मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है, ये आपका एक एक्स्ट्रा फैक्ट कह सकते हैं हम। याद रखिएगा मच्छरों का जो लार्वा होता है उनका रंग भूरा होता है। मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है? कुनेन से बनाई जाती है, जो सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मतलब सिनकोना के पेड़ की जो छाल होती है ना उसे हम क्या कहते हैं? कुनेन कहते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बताइए कि मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है, तो सिनकोना के पेड़ की छाल से, जिसे हम कुनेन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे। मलेरिया के विषय में एक पुरानी अवधारणा सामने आती है कि जहां गंदगी ज्यादा होती है वहां जहरीली गैसों के कारण बीमारी फैलती है। माना जाता है कि जो मलेरिया होता है वो गंदे गैसों के कारण होता है जहां गंदगी अधिक होती है। लेकिन बाद में रोनाल्ड रॉस ये साबित किए कि मलेरिया मुख्य रूप से जहां पर गंदा पानी एकत्र होता है वहां पर मादा एनोफिलीज मच्छर आती है, और अगर हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमें मलेरिया जैसी संक्रमित बीमारी होती है। किंतु बाद में यह अवधारणा गलत साबित हुई। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह तो ठीक है इस अवधारणा की बात हुई, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है कि डेंगू का मच्छर किस पानी में अंडा देता है, तो ये साफ पानी में अंडा देता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने हेतु गैप्सुआ मछली पाली जाती है। ये गैम्बूशिया मछली, याद रखिएगा जब आपके तालाब में ना मच्छर लोग लार्वा अधिक वो कर देते हैं जिसके कारण नुकसान होता है, तो ये गैम्बूशिया मछली को पाला जाता था कि वो पूरे लार्वा को खा ले, क्योंकि ना उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, बहुत ज्यादा इन्हें तकलीफ होती है मछलियों को, इसलिए। साथ में मिट्टी तेल का भी छिड़काव किया जाता है ना, मिट्टी तेल डाला जाता है यहाँ पर ताकि ये मच्छर जो है उनका कब्जा कम हो जाए। चलिए जल प्रदूषण से फैलने वाली अन्य बीमारियां और भी क्या क्या बीमारियां हैं तो देखते हैं। ड्रैकून कुलियासिस, नोरोवायरस, रोटावायरस, साइक्लोस्पोरियासिस, हेपेटाइटिस, फोसियोलियासिस, ये हैं आपके जल प्रदूषण के कारण होने वाली अन्य बीमारियां। चलिए तो आज हमने जल प्रदूषण के कारण होने वाली कुछ बीमारियों को देखा। एक बार फटाफट रिविजन कर लेते हैं फिर हमारी क्लास खत्म। चलिए सबसे पहले हमने देखा टाइफाइड जो किसके कारण होता है, साल्मोनेरा एंटीरिया सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये पानी से होने वाला रोग है, ज्यादा नहीं तो एग्जामिनर आपको पानी से होने वाले रोगों का लिस्ट दे देगा और मैच करने को देगा, तो इसी तरह की चीजें होंगी। दूसरा हमने देखा आपका हैजा, हैजा पानी के कारण होता है, ठीक। फिर तीसरा हमने देखा हेपेटाइटिस ए, ठीक है, भारत में हैजा हमने देखा कब आया। फिर हेपेटाइटिस ए जो हृदय को प्रभावित करता है। फिर हमने जियार्डियासिस देखा, ठीक, ये भी जल प्रदूषण के कारण होता है। फिर हमने देखा आर्सिनोकोसिस, जो आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने के कारण होता है, अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर हमने पारा की मात्रा अधिक होने के कारण मिनी माता रोग देखा। फिर इटाइटाई रोग हमने किसके कारण देखा था? कैडमियम के कारण देखा था। तो ये सब पानी के कारण होता है, जब पानी आपका क्या हो, अधिक प्रदूषित हो जाए। पोलियो भी हमने देखा, मिनी माता, इटाइटाई रोग, ई कोलाई रोग भी हमने देखा, खराब खाने से, कच्ची चीजों को खाने से होता है। मलेरिया भी हम देखे, और मलेरिया के अलावा डेंगू और चिकनगुनिया भी मच्छरों के कारण होता है। और हमने ये भी देखा कि रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, खोज किया था, इसीलिए
1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मान भी किया गया। और किस छाल से मलेरिया को ठीक किया जाता है? तो सिंकोना का जो पेड़ का छाल होता है, जिसे हम कुनेन कहते हैं, इससे बीमारी को ठीक किया जाता है। फिर हमने देखा कि जल प्रदूषण से फैलने वाली अन्य कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो ये सारी चीजों को हमने कवर किया। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।